नमस्कार दोस्तों और भैया, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जेंसन ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज कुछ कबूतर और भी हैं सेल के लिए, जो कि निसावरे हैं, कानपुरी जो होते हैं, लंबे दुम वाले निसावरे। तो उनमें एक जुड़ा हमारा निसावरे का कलसीरा जर्चा है, जो कि आप लोगों ने भी स्टार्टिंग में देखा, और दो काले पट्ठे हैं, वो भी निसावरे के पट्ठे हैं। तो पट्ठों का रेट अलग होगा और निसावरे जो हैं जोड़े वाले, उनका रेट अलग होगा। तो जिन भी भाई लोग को अगर लेना हो, मैं वीडियो आगे लगाऊंगा, आप लोग पसंद कर लेना। और जिनको भी लेना है, आप मुझे कमेंट में अपना नंबर दे सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, मैं अपना नंबर वहाँ दे दूंगा, आप मुझसे बात कर सकते हो। और हाँ, कुछ कबूतर और भी हैं, सहारनपुरी हैं और भी हैं, तो मैं उन सबका भी वीडियो कल सुबह में अपलोड करूँगा। और बाकी सुबह में आज हमारी सेल वाली वीडियो आ रही है, और शाम में अलग से एक और वीडियो आएगी, तो दोनों वीडियो आप लोग देख लेना। तो चलिए, हम अपने आगे कबूतर लगा देते हैं सेल वाले, तो उसको आप देख लें और पसंद करें। तो दोस्तों, निसावरे में हमारा ये नर कबूतर है, मेल वाला है, आप देख सकते हो। तो ये जर्चे हैं, आँख के हैं, पीली आँख वाले। तो पूरी अभी इनको छोड़ के स्टैंडिंग में दिखाएंगे जोड़े का, और बाकी पीछे वीडियो में आप पट्ठों का स्टैंडिंग तो देखे ही होगा ऐसे नॉर्मल। तो ये आप देख सकते हो, ये नर है हमारा, और पूरी दुम काली है, और पूरे दसों पर काले हैं डैने में, और गर्दन भी काला है, आप देख सकते हो। फिलहाल पर कैंच में है, बट इसके पूरे पर काले आप देख सकते हो, दिख ही रहा है जो कैंच में है वो भी, और पूरी दुम भी काली है। तो ये आप देख सकते हो, और पूरे फुल निसावरे हैं, जो कि ओरिजिनल निसावरे, क्रॉस क्रॉस में नहीं है। आप पंजे भी देख सकते हो, पूरे नाखून भी जो है इनके काले ही हैं। तो चलिए, अब इसकी मादिन दिखाते हैं, इसमें कौन सी मादिन लगी है, और फिर दोनों को छोड़ के उनकी स्टैंडिंग भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये रही उसमें की मादिन, और ये भी फुल कलसीरी और फुल साइज़ तीरिन है, निसौरी है, सॉरी हमारे यहाँ तीरा बोलते हैं। तो फुल साइज़ निसौरी का उतर है कानपुरी, और आप देख सकते हो ये भी पीले आँखों में जर्चे, और आप कली की साइज़ भी देख सकते हो, चौड़े चौड़े हैं। और ये दसों पर काले नहीं लगाए हैं, तीन तीन चार चार पर काले लगाए हैं, और दुम में भी वैसे ही सेम। और आप पंजे भी देख सकते हो, और बाकी नर के जो दसों पर हैं वो ब्लैक में ब्राउन शेड लगाए हुए हैं, हल्के ब्राउन टाइप में हैं, तो ये आप देख सकते हो। और चलिए, अब दोनों को हम जोड़े को साथ में छोड़ के दिखाते हैं, और आप लोग पसंद करो, स्टैंडिंग देखो इनकी। तो हमारे जो ब्लैक डायमंड हैं, जो कि वीडियो आप लोग देखे होंगे चैनल पर, जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, ये उनमें से पट्ठा है जो कि निसावरा है। तो ये पट्ठे का रेट हम अलग लगा देंगे, तो वो जब आप हमें कॉल करोगे या आप हमें नंबर दोगे, हम कॉल करेंगे, तो रेट डिस्कस हो जाएगा, मैं वीडियो में रेट नहीं बता रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो, उन्हीं में का ये पट्ठा है, और अगर आप कॉल करोगे तो मैं इनके माँ बाप भी फ़ोटो भेज के या वीडियो भेज के दिखा दूँगा कि किन में से ये बच्चे हैं। तो ये आप देख सकते हो, हमारा पहले नंबर का ब्लैक डायमंड निसावरा पट्ठा है। तो ये आप देख सकते हो, और इसके चोंच पर थोड़े से पॉक्स हैं, जो कि बिल्कुल ही सही हो चुके हैं, कुछ दिन में वो झड़ जाएँगे। और ये आप देख सकते हो पट्ठा, आप पर भी देख सकते हो, अभी ये मतलब छोटे ही पट्ठे हैं, तो इनका रेट अलग लगेगा। बाकी चलिए, अब दूसरा वाला अपना ब्लैक दिखाते हैं, जो कि सेल के लिए है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा वाला ब्लैक निसावरा, इसको आप देख सकते हो, हल्का ब्राउन शेड में पर लगाया हुआ है। तो ये भी ब्लैक मकोई का ही पट्ठा है, हमारे ब्लैक डायमंड का ही है, और ये भी जीरो कली के हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर कबूतर आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और कमेंट करके हमें नंबर दे सकते हो अपना, मेरा भी नंबर ले सकते हो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज करके। और अगर पसंद आ रहा है तभी मैसेज करें, ऐसे परेशान करने के लिए ना करें। तो लास्ट वीडियो में जो हमने कबूतर दिखाए थे सेल वाले कल सुबह, उसमें से कुछ कबूतर जो सेल हो चुके हैं और कुछ बचे हैं, तो उसको भी हम आपको दिखा देंगे बाकी अगले सेल वाले वीडियो में। तो ये आप देख सकते हो हमारा ये पट्ठा, तो पसंद आया हो तो आप नंबर दें अपना। तो यार, बस यही चार कबूतर फ़िलहाल अभी सेल के लिए आए थे, और भी हैं जो सहारनपुरी हैं, उनको हम अपने कल के सुबह वाले वीडियो में दिखाएंगे। और बाकी आपको मिलते हैं अपने शाम के वीडियो में, जो कि हम अपने कबूतर या बातचीत का कोई एपिसोड डालने वाले हैं। आज दिखाएंगे आपको अपने कबूतर, कि कौन कौन से हम अपने कबूतर छत पर रख रहे हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। और आपको ये लेने के लिए आपको मुगलसराय आना पड़ेगा, ये मुगलसराय जो है बनारस के जस्ट बगल में ही पड़ता है वाराणसी के। तो आप मुझे कॉल करना या नंबर अपना देना, मैं कॉल करूँगा तो आपको डिटेल बता दूँगा कि कहाँ से आपको कैसे पिकअप करना है। आप हमारे लॉफ्ट पे आके ले सकते हो छत पे, या फिर हम आपको जहाँ बोलोगे वहाँ पहुँचा देंगे, मतलब ये मुगलसराय में या बनारस में, उसके आगे तक डिलीवरी नहीं होगी बनारस में, और मुगलसराय में कहीं भी हम पहुँचा देंगे, उसके आगे डिलीवरी नहीं होगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियोज़ में, तब तक के लिए
बाय बाय।